आज है डे 5 ऑफ डेटा एनालिस्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का। तो आज का क्वेश्चन है एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड कि आपको एनालाइज करना है सेल्स डेटा बाय रीजन एंड प्रोडक्ट ओवर टाइम, तो दो ही आपको टारगेटेड चीज बताई गई है। तो आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है ताकि आप रिक्वायर्ड डेटा को ले सको। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें टेबल है, मतलब रेलिवेंट टेबल्स जिसमें भी डेटा सेल्स का है, सेल्स प्रोडक्ट और रीजन से रिलेटेड। उसके बाद मैं ज्वाइंट टेबल करूंगा, विच मीन्स मैं क्वेरी लिखूंगा जिसके अंदर मैं ज्वाइंट क्लॉज का यूज करूंगी, उसमें इनर ज्वाइंट यूज करूंगी ताकि, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने इनर ज्वाइन लिखा है टू कंबाइन दीज टेबल्स बेस्ड ऑन दी एप्रोप्रिएट। उसके बाद मैं एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी करके मैं उसमें से उसको ज्वाइन करूंगी। उसके बाद मैं फिल्टर करूंगी डेटा को यूजिंग द वेयर क्लॉज जिसमें मैं डेटा को स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, मतलब कि पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या फिर पोटेंशियली रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फिल्टर करूंगी। उसके बाद मैं डेटा को एग्रीगेट करूंगी, उसके बाद देन आई विल ऑर्डर इट बाय यूजिंग द ऑर्डर बाय फंक्शन। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने हैं इन दी